बिल्कुल सही. व्हाट वुड यू लाइक टू से इब्राहिम साहब इन कंक्लूजन? पॉजिटिव रहने के लिए मैं सिर्फ तीन टेक्निक्स बताना चाहता हूँ. थर्ड में एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा विद इन टू मिनट्स. नंबर वन, पॉजिटिव माइंडसेट बनाने के लिए, यह तो हम जान चुके हैं कि जो रिजल्ट्स आते हैं दुनिया से वो वैसे ही आते हैं जिस तरह के आप ग्लासेस पहनते हैं. पॉजिटिव ग्लासेस, पॉजिटिव सोच मीन्स पॉजिटिव रिजल्ट्स. अच्छा, नंबर वन पॉजिटिव रहना कैसा है, एक चीज होती है सेल्फ टॉक. हर वक्त हमारे ना कुछ बातें चल रही होती हैं, हम अपने आप से बातें कर रहे होते हैं. तो नंबर वन आपको चाहिए, अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको चाहिए, उस सेल्फ टॉक को जब आप अपने आप से बात करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करें अपने आप से. हम अपने आप को बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, यार तुम्हारे अंदर ये बात नहीं है, तुम्हारे अंदर वो बात नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते. नंबर वन उस बात को शिफ्ट करें और आप ये अपने आप से कहें कि हाँ ये तो मैं कर सकता हूँ, अगर मैं गिर गया कोई बात नहीं, मैं उठ के चल सकता हूँ. ठीक है, और उसका बेस्ट तरीका आप किसी बच्चे से सीखें. बच्चे जब नया नया चलने लगते हैं ना तो बार बार गिरते हैं. आज तक आपने किसी बच्चे को गिरते हालत में ये नहीं देखा कि यार वो गिर गया और वो गिरता ही बस वो पड़ा ही रहा वहीं पे. बच्चे जब भी गिरते हैं ऑटोमेटिकली वो खड़े हो जाते हैं और दोबारा दो स्टेप और चलने लगते हैं. पॉजिटिव सेल्फ टॉक चेंज करें. नंबर टू, आपके जहन में जो इमेजेस चल रही होती है, न्यूरो साइंस की मैं टेक्निक सिखा रहा हूँ, जो आपके जहन में जो इमेजेस चल रही होती है, जो पिक्चर चल रही होती है, उस पर बड़ा फोकस करें कि वो पिक्चर आपके फ्यूचर को पॉजिटिव शो कर रहे या नेगेटिव शो कर रहे. क्या आप जब अपने बारे में सोचते हैं, आप अपने बारे में अपने आप को बड़ा कामयाब और बड़ा खुशहाल, बड़ा हैप्पी, सक्सेसफुल समझते हैं, देखते हैं या नहीं? तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक एंड सेकंड पॉजिटिव इमेजेस रिगार्डिंग योर फ्यूचर. थर्ड जो मैं आप जो कहना चाहता हूँ वो इन्वायरमेंट का. मैम ने बहुत अच्छा बात किया, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे नेगेटिव लोग आते हैं, हालात बुरे हैं, पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता, ये सारी बातें हम सुनते हैं, सच नहीं है. इनको स्टॉप करें. मैं एक मिसाल देता हूँ. पिछले दिनों मैं ड्राइव कर रहा था और पता नहीं रश में था और कैसे भी था, मेरे आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक मारी और मैंने भी एकदम से ब्रेक मारी, तो मेरे पीछे वाले ने भी एकदम से ब्रेक मारी, आगे वाली गाड़ी चली गई और मैं भी चला गया. जैसे ही मैं सिग्नल पे जाके खड़ा हो गया, मेरे पीछे जो गाड़ी खड़ी थी वो आके मेरे साइड पर खड़ा हो गया, शीशे नीचे करो, मैंने नीचे किया और मुझे सुनाना शुरू हो गया कि तुम ये वो, तुम्हें गाड़ी नहीं चलानी आती, तुम्हारे अंदर ये वो. मैंने कहा अच्छा ठीक है यार, सॉरी गलती होगी. तो मेरे साथ मेरे दोस्त बैठा हुआ था, जब हम सिग्नल क्रॉस करके आगे चलेंगे, मेरे दोस्त ने बोला यार तुमने उसको आगे से नहीं सुनाई, तुम भी तो सुना सकते थे. मैंने कहा देखो हमारे आस पास बहुत सारे गार्बेज बिन्स है, बहुत सारे कचरेदान है, ये इन्वायरमेंट के हालात भी हो सकते हैं, ये कुछ लोग भी हो सकते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने साथ ना नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को जोड़ के रखते हैं और वो हर वक्त ये कचरा अपने साथ लेके रखते हैं जेबों में डाल के, और जैसे ही वो किसी और इंसान से मिलते हैं ना, उनके फर्स्ट इंपल्स ये होते हैं कि मेरा जो कचरा है ना ये तुम भी रख लो. तो मैं उसे कचरा क्यों लूं? जैसे ही वो मेरे साथ बुराई करे कि तुम्हारे अंदर वो बात नहीं है, तुम क्या चीज हो, तुम्हें गाड़ी नहीं चलानी आती, गलती होगी, खत्म हो गई बात. ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और अगर हम ये अप्लाई कर ले तो शायद 90% जो मसाइल हैं सोसाइटी के खत्म हो जाए.